नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, आपकी शिवरात्रि भी अच्छे से बीती होगी और होली की तैयारियां चल रही होंगी। जैसा कि हमारी संस्था के द्वारा आरओ का बैच रन करवाया जा रहा है आप लोगों की भारी मांग पर कि सर हमें रिवाइज करवा दीजिए, बाकी सारे डिटेल आपको रवि सर दिए ही होंगे। और इसी बीच में आपको आरओ के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं अलग अलग सर ने, पर मैं कुछ अलग करके आया हूं और मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। मैं टॉपिक के पहले ये बस देखना चाहता हूं कि आपके इतिहास कितने कंप्लीट हैं, क्योंकि कई सारे लोग थे 2016 के एग्जाम के बाद जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे, फैक्ट है। और सबसे बड़ी खास बात है कि जिन्होंने एग्जाम दिया उनको तो मौका मिल रहा है और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी मौका मिल रहा है एग्जाम देने का। तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या सोच है वो आप जानते हैं, क्योंकि भारत स्वतंत्र है। मुद्दा बस ये है दोस्त कि आप चीजों को पढ़े हुए हैं, आपकी जो चीजें हैं बस इधर उधर बिखरी हुई हैं, उनको एक जगह समाहित करना है, टॉपिक रिवाइज करना है, क्वेश्चंस करने हैं। टॉपिक से ज्यादा मेरे हिसाब से क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं टॉपिक बिना पढ़े क्वेश्चंस हो नहीं सकते, ये भी है सत्य है आप लोगों में से जिन्होंने कहा होगा। पर मैं इतिहास का टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको इतिहास के वो प्रश्न से रूबरू कराना चाहता हूं जो पूरे के पूरे टॉपिक को टच किया हुआ है। मैं देखना चाहता हूं कि आपके जो इतिहास है वो कंप्लीट है, किस लेवल से पढ़ाना है, और इसके आंसर्स आपके कमेंट्स में मेरे से पहले आने चाहिए। और ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। बाकी तो आज की डेट में और भी रास्ते सफल होने के, पर मेहनत करने वाला जो सफल होता है उसको अपना एहसास पता रहता है। और कई सारी बातें हैं ऐसे ही बैच से रिलेटेड, एंट्री से रिलेटेड और इस एग्जाम से रिलेटेड जो मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन मैं अपने पहले प्रश्न पर चलता हूं। मैं आपको उन चीज से रूबरू कराना चाहता हूं कि 2016 का जैसा प्रश्न था वो 2020 में नहीं आएगा। रीजन ये है कि 2016 के बाद आयोग ने कई सारे एग्जाम्स कराए और उनके सवाल पूछने की टैक्टिस, मैनर सब अलग है। उन्होंने सवाल की लैंग्वेज को जटिल कर दिया है। जो पूरा गहन अध्ययन अंदर से गहराई से नहीं पढ़ा है वो करने में असक्षम है। वो जमाना गया कि घटना चक्र का पुनरावलोकन 16 साल का पढ़ लीजिए वहीं से फंस जाता है। भले लोग कमेंट में कहेंगे सर फंसता है, लेकिन पिछले आयोग के द्वारा कराए गए 4 एग्जाम्स में आप कितने परसेंट बता सकते हैं फंसा है। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, ठीक। तो अब नए तरीके से सवाल करने, नए तरीके से फंसाना है, और ये सारे लोग जानते होंगे जो मुझसे जुड़े हैं कि गौरव पांडे हमेशा नया सवाल लेकर आता है और खुद बनाता है। तो इन सब बातों के साथ साथ पहले प्रश्न पे चलते हैं, बाकी बातें मैं आपको बताता रहूंगा। बस ये सिर्फ एक ट्रेलर है ये देखने के लिए कि हाउ मच यू आर सुटेबल फॉर योर वैकेंसी, आर यू प्रिपेयर्ड और यू हैव टू बीइंग प्रिपेयर्ड। आप तैयार हैं कि आपको तैयार होना है, ये आप जज करिएगा। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। छोटा सा प्रश्न है और ये आरओ एआरओ का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रश्न बनाए हैं। आप देखिएगा, चांसेस रहे तो यहां से प्रश्न भी आएंगे। पहला प्रश्न है, पील आयोग का गठन कब हुआ था? आपके सामने है ये प्रश्न, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिखना चाहे तो लिख लीजिए। मुद्दा यह है कि पील आयोग था क्या, पील आयोग था क्या। हम जल्दी जल्दी स्किप नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारियां आपको देते हुए इतिहास से जुड़े हुए जो 25-20 प्रश्न है मेरे द्वारा बनाए गए उन सारी चीजों को कवर करेंगे। पील आयोग का जो गठन है, ऑप्शन 1848, 1937, 1858, 1824 डेट से जुड़े हुए सवाल आजकल आयोग पूछ रहा है, आप देखिएगा। तो पील आयोग का जो गठन हुआ था, यह गठन हुआ कब था जानते हैं आप? 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि जो सैन्य सुधार किए, पील आयोग जनरली सैन्य सुधार के लिए गठित किया गया था। 1857 की क्रांति जब हुई और 1858 का अधिनियम आया, उसके पहले जो अंग्रेजी सेना में रेशियो होता था भारतीय और अंग्रेजों का, वो 5:1 होता था। मतलब 5 भारतीय सैनिक रहते थे, 1 अंग्रेज रहते थे। तो जब विद्रोह हो गया तो इसीलिए यह हुआ कि नहीं, अब एक ऐसा आयोग का गठन किया जाए और भारतीयों की उसमें कमी की जाए। तो उन्होंने क्या किया कि पील आयोग के तहत जो रेशियो बनाया सैनिकों का, वो बना दिया 2:1। किससे हटाकर? 5:1 से हटाकर। मतलब 2 सैनिक भारतीय रहेंगे और 1 सैनिक अंग्रेज रहेगा। यही थी सिफारिश पील आयोग की कि भारत सैन्य सुधार में सैन्य के सुधार किया जाए
और जो संख्या है सिपाहियों की उनका रेशियो 2:1 किया जाए। तो जैसा मैंने क्या कहा कि 1858 के अधिनियम के तहत यह आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1858। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1858। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। यह प्रश्न वाकई में महत्वपूर्ण है, मुझे पता है जो पढ़ने लिखने वाले होंगे वो जरूर समझ रहे होंगे कि सर ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आप लाते कहां से, ऐसे प्रश्न हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देते हैं। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रित संहिता। ठीक, रित संहिता किस देवता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा आपको, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। अब देखिए, रित संहिता किस देवता से जुड़ा हुआ है? हमने क्या कहा, 25 प्रश्न है और मैं पूरे इतिहास को टच किया हूं ताकि ये जान सकूं कि आपका इतिहास कितना कंप्लीट है। इसीलिए रित संहिता ये था क्या, मुद्दा ये है वैदिक युग में था। महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, वरुण और अग्नि, और विष्णु का भी सबसे पहला उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। यह जान के रखिएगा कि विष्णु का सबसे पहला उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद। देखने में सवाल नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन रित संहिता जो है वो वरुण से जुड़ा हुआ है। वरुण जो थे वो नैतिक मूल्यों के देवता थे, समझिएगा, वरुण जो थे वो नैतिक मूल्यों के देवता थे और रित संहिता नैतिक मूल्यों की बातें कहती हैं। यही नहीं, जंगल की रानी जो थी अरण्यनी, उनका भी सबसे पहला उल्लेख रित संहिता में ही मिलता है। इंद्र को पुरंदर कहा गया। अग्नि जो थे वो मध्यस्थ के देवता थे, जो मनुष्य और ईश्वर के बीच में मेडिएटर का काम करते थे। और जो वरुण थे ये नैतिक मूल्यों के देवता थे, किसके दोस्तों, नैतिक मूल्यों के, और रित मतलब भी यही है नैतिक मूल्यों का। इसीलिए रित संहिता में किस देवता के बारे में जिक्र किया गया है, वरुण के बारे में। क्लियर, देखिए सवाल के लेवल को देखिए और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे लेवल बढ़ता चला जाएगा। स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का, तो फिर अगले प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, अहोल अभिलेख किसको समर्पित है? देखिए यूडीए डीडीए का जो एग्जाम होता है आरओ आरओ का, वो जरूर आयोग के द्वारा होता है, लेकिन लेवल जो है, लेवल में तो डिफ्रेंशिएट वो करेगा ही। आप 50 कदम चाहे देख लीजिए, चाहे प्रश्न संग्रह देख लीजिए हम लोगों के, आपको क्वेश्चंस के लेवल पता चल जाएंगे। तो यह सवाल है, अहोल अभिलेख किसको समर्पित है, किसको? पहला मुद्दा है तो अहोल अभिलेख है क्या? यह जो अहोल अभिलेख है इसको रवि कीर्ति ने लिखा है, रवि कीर्ति द्वारा कृत है। ठीक, रवि कीर्ति द्वारा कृत है अहोल अभिलेख। नर्मदा नदी घाटी के किनारे हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, और जिसमें पुलकेशियन द्वितीय विजयी हुआ। तो जाहिर सी बात है, कई लोग इस बार गलती कर देते हैं कि अहोल अभिलेख हर्षवर्धन के लिए नहीं, जो राजा हारेगा उसके बारे में नहीं लिखा जाएगा, जो जिसको हराएगा वो लिखेगा कि मैंने इसको हराया। तो हर्षवर्धन को कौन हरा रहा है, पुलकेशियन द्वितीय हरा रहा है। तो अहोल अभिलेख किसके बारे में है, पुलकेशियन द्वितीय के बारे में। तो आपका आंसर क्या हो गया, पुलकेशियन द्वितीय हो गया, और किसके द्वारा कृत है, रवि कीर्ति द्वारा। क्लियर दोस्त, अगले प्रश्न पे चलें। देखिए लेवल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वाइकोम सत्याग्रह कब चलाया गया था, सवाल है वाइकोम सत्याग्रह कब चलाया गया था। अच्छा, वाइकोम सत्याग्रह था क्या, यह मेन चीज जानना है भाई। जब तक जानेंगे नहीं चलाया कब गया, ये हम कैसे बता देंगे? जब तक हम जानेंगे ही नहीं किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करनी कैसे? सब धड़ाधड़ 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 सब पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर देखिए कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। बात क्या था, वाइकोम सत्याग्रह इसलिए हुआ था कि जो सवर्ण जाति के लोग थे उन्होंने निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया था, वर्जित रखा था। कुछ निम्न जातियां थी जैसे पुलैया थी, एझवा थी, लिख दे रहा हूं, जो निम्न जातियां थी जैसे पुलैया जाति थी, एझवा जाति थी, इन जातियों को क्या हुआ था कि सवर्णों ने मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाइकोम सत्याग्रह हुआ दक्षिण भारत में। और यह जो सत्याग्रह हुआ कब हुआ, नहीं 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 नहीं,
1921 में मोपाला हुआ था, मोपाला विद्रोह। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, क्या हुआ था? चौरी चौरा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, तो आंसर क्या हो गया आपका? 1924। वाइकोम सत्याग्रह वाला प्रश्न ध्यान में रखिएगा, ये आगामी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1924 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1924। चलिए अगले प्रश्न बढ़े दोस्त। निम्न में से कौन इलवरी तुर्क नहीं है? बात क्या थी कि इलवरी जाति आई कहां से, इलवरी तुर्क? जो पढ़ा होगा उसे ये प्रश्न मिल रहे होंगे, उसे मजा आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा उसको भी मजा आ रहा होगा। मेरे लिए थ्योरी से ज्यादा सवाल करने में मजा आता है, मुझे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और कई सारे सवाल तो ऐसे एग्जाम्स में भी आ जाते हैं जो नोट्स या किताबों में मिलते ही नहीं है, वो भी हम ऐड करते हैं। तो अगला सवाल जो है, निम्न में से कौन इलवरी तुर्क नहीं है? मैं दूर इसलिए हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। तो इलवरी तुर्क जो थे, इलवरी तुर्क, वो इल्तुतमिश था, इलवरी जाति का तुर्क इल्तुतमिश था, जिसने किस वंश की स्थापना की थी? शमसी वंश की स्थापना की थी। इलवरी जाति का तुर्क इल्तुतमिश था जिसने किस वंश की स्थापना की? शमसी वंश की। तो बलबन भी इल्तुतमिश के बाद था, यह भी इलवरी था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था, इसका पुत्र इल्तुतमिश का, वो भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐबक। ऐबक किस जाति का था? मामलुक जाति का था। किस जाति का तुर्क था ऐबक? मामलुक जाति का तुर्क था। इंजॉय करिए सवाल को, पढ़ने वाले लड़के सवाल को ही इंजॉय करते हैं, जैसे घूमने वाले लोग जगह को एंजॉय करते हैं। ये पढ़ाई है दोस्त, इससे हम ये जान जाएंगे कि हमारा कितना इतिहास कंप्लीट है और कितना कंप्लीट करना है। ये केवल हमारा शरीर का, हमारे अध्ययन का मूल्यांकन है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। और ये ऐसी चीजें हमारी संस्था के द्वारा हमेशा चलाई जाती हैं, हमेशा, ताकि आप मेहनत उतनी ही करें जितनी आवश्यक हो और सफलता आपको उससे ज्यादा मिले। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, निम्न को क्रम से सजाइए। दोस्त मैंने क्या कहा, पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है। अब जो सवाल आएगा वो सारे विशेष प्रकार, सारे पैटर्न पे आएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये गोल्डन चांस है आरओ आरओ की तैयारी के। आप जैसे भी तैयारी करना चाहे करिए, हमारे साथ जुड़िए। और ऐसे कई सारे प्रश्नों का संग्रह हम अपने बैच में दे देते हैं ताकि बच्चों को प्रैक्टिस सेट खोजने की आवश्यकता ना पड़े। आरओ आरओ से जुड़ी कहानी है, मैं भी आगे बताएंगे आपको। तो निम्न को क्रम से सजाइए, लाहौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि और अलीनगर की संधि। आज मैं लेट में आंसर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, आप लोग मेरे से पहले उत्तर दीजिएगा। मुद्दा क्या है कि लाहौर की संधि हुई कब थी? तो लाहौर की संधि 1848 में हुई थी अंग्रेजों और सिखों के द्वारा, जिसके बाद सिख साम्राज्य का विलय हो गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, जब आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था टीपू सुल्तान के द्वारा। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में हुई थी, कब? बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियां हुई थी। और अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी, कब? जब सिराजुद्दौला ने कालकोठरी कांड किया था और क्लाइव मद्रास से बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि करने के लिए बाध्य किया। तो हमारा जो आंसर का क्रम बनेगा वो क्या है, सबसे पहले क्या हो रहा है? अलीनगर की संधि। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन सी या डी में से एक होगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? इलाहाबाद की संधि, 4-3, फिर ऑप्शन सी या डी में से। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो हमारा आंसर हो गया 4-3-2-1। क्या आंसर हो गया दोस्तों? 4-3-2-1 हो गया। क्लियर? अगले प्रश्न बढ़ते हैं। कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर किस विद्रोह से जुड़ी हुई है? कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर किस विद्रोह से जुड़ी हुई है?
बात यह है कि जो चेचू आंदोलन था, ये चेचू आंदोलन हुआ था चरवा शुल्क बढ़ाने के कारण। गांधी ने भी इसमें समर्थन दिया था चेचू आंदोलन में, और इसको जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया था, जिसमें पहले थे विनोबा भावे, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। वाइकोम सत्याग्रह के बारे में भी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार से, क्योंकि सूरसेन ने इसी समय INA का गठन किया था और उन्होंने चटगांव शस्त्रागार कांड को अंजाम दिया था, और सूरसेन को मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, और वही एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं जो गांधी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिए थे। तो इस विद्रोह में, इस क्रांति में महिलाओं की भागीदारी सर्वोच्च थी, तो इसका आंसर हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार कांड। क्लियर दोस्त, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? हम इस बात को आपसे रूबरू तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस बात को आपके कमेंट से हम जरूर एहसास करेंगे या कर रहे हैं कि आपका इतिहास कितना कंप्लीट है। यह सिर्फ हमारी संस्था के द्वारा या मेरे द्वारा, बस मैं एक ऐसा ट्रेलर लेके आया हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आप कितने सक्षम हैं, आपका इतिहास कितना कंप्लीट है। और हमारी संस्था RO का बैच चला रही है, आप जानते हैं, उससे आप जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आप अपना फोन उठाइए, फोन हमेशा आप लोग उठाए रहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक करते रहते हैं, इंस्टा वगैरह पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कुछ नहीं करना, एक प्यारा सा मैसेज हमको भी भेज देना है एंट्री RO लिखकर, और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है एंट्री RO और 8736093317 पे आपको क्या कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। चलिए, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, आते हैं अपने प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या था कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध था क्या? विजयनगर साम्राज्य की यह बात है, तुलुव वंश, इसमें कृष्णदेव राय था, उसी में आखिरी शासक था राम राय। राम राय का युद्ध बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, कई सारे प्रांतों की सम्मिलित सेना का युद्ध राम राय के साथ हुआ था 24 जनवरी 1565 को। आंसर 1565 को। और इस युद्ध में राम राय पराजित हो गया था और तुलुव वंश का अंत हो गया था, और इस युद्ध को तालीकोटा के नाम से भी जानते हैं और राक्षस तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से भी हम तालीकोटा युद्ध को जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 1565 हो गया। क्या हो गया? 1565। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा कूट गलत है? देखिए, मैंने क्या कहा, सारे प्रकार के सवाल आपके सामने पेश रहेंगे और आपके उत्तर मेरे से पहले होने चाहिए हमेशा। अगर आप सक्षम हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हो गई है, तो आपके उत्तर हमेशा आपके टीचर से पहले होना चाहिए। हर टीचर चाहता है, और मैं टीचर नहीं, मैं आप लोगों का एक दोस्त हूं, और मैं दोस्त की तरह चीजों को बस आपको रिवाइज करा रहा हूं। मैं चाहता तो मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा देता, डजंट मैटर, टॉपिक तो आप किताबों में पढ़े होंगे, अब आप प्रैक्टिस सेट के लिए घूम रहे होंगे, टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन मैं प्रश्न संग्रह लेके आया हूं सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं जान सकूं, आप ये जान सकें कि क्या आपकी पढ़ाई कंप्लीट है, क्योंकि ये सिर्फ आप जानते हैं आप कितना पढ़े हैं, ना हम जानते हैं ना हमारे माता पिता जानते हैं, सिर्फ हम जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं, दुनिया को दिखाने के लिए हम कुछ भी हूं। तो सवाल है, ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ सभ्यताएं हैं और ये उनके कुछ साक्ष्य हैं, और ये वाला देखिए लोथल हाथी दांत पैमाना, आपके RO का ही प्रश्न था, ठीक है। तो पहला है आलमगीरपुर, सही है, आलमगीरपुर से रोटी बेलने की चौकी मिली है, एकदम सही है। लोथल से हाथी दांत पैमाना मिला है, यह भी सही है। धौला वीरा सफेद कुआं, क्योंकि धौला का अर्थ सफेद होता है और वीरा का अर्थ कुआं होता है, तो सफेद कुआं भी कहां से पाया गया? धौला वीरा से। बनवाली से जुते हुए खेत, नहीं ये गलत है, बनवाली से मिट्टी का हल मिला था। क्या मिला था? मिट्टी का हल। और जुते हुए खेत जो मिले थे वो कहां से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। जुते हुए खेत कहां से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। तो आपका कौन सा कूट गलत है? सी वाला। और आपका आंसर कौन सा है? सी। क्लियर,
चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप अपने इतिहास का ये केवल जैसे मूवी कोई आती है ना, तो उस मूवी तो मूवी के पहले पोस्टर रिलीज होता है, फिर टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर मूवी आती है, फिर उसका कलेक्शन आता है। सेम चीज ये भी है, ये केवल पोस्टर है मूवी का, आर ओ आर ओ के लिए केवल एक पोस्टर दिखा रहे हैं, टीजर ट्रेलर मूवी तो वो तो चल देगी ही बैच में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं था? ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ये पढ़ने वाले लड़के जान गए होंगे कि सर इतना लाजवाब प्रश्न कैसे आ गया। निम्न में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं था? मानते हैं गुप्त मुगल काल में क्या था कि चित्रकला जहांगीर के शासन काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, लेकिन अकबर के भी दरबार में कई सारे प्रमुख चित्रकार थे। वो थे दसवंत, मीर सैयद अली, अब्दुल इस्मत खान, मंसूर नहीं थे। मंसूर ये जो चित्रकार थे ये किसके शासन काल में थे? जहांगीर के शासन काल में थे। मंसूर किसके शासन काल के चित्रकार थे? जहांगीर के। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। आपके आंसर्स मेरे साथ बताएंगे कि आप कितने पानी में हैं। हिस्ट्री का एक पोर्शन दो पोर्शन पढ़ के कुछ नहीं होता, और जिनको ये लगता होगा कि हिस्ट्री से डर लगता है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, लाइफ में डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। सिर्फ इज्जत से हम लोग किसी की रिस्पेक्ट से डरते हैं, माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए डरते हैं, अपने बड़े भाइयों की रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं तो हम क्यों डरें किसी से। प्रश्न है तो सॉल्व भी होंगे, किताबें हैं तो पढ़ी भी जाएंगी। अगर मैं बीटेक करके इतिहास पढ़ा सक रहा हूं, सवाल करवा सक रहा हूं, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़िए दोस्त, संस्था के द्वारा यह पहल है कि जितना भी आपका सिलेक्शन होगा उतना ही हमारा नाम होगा, और सब नाम के पीछे भागते हैं और हम भी नाम के पीछे ही भागते हैं। सवाल को देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। कई सारे लोगों का मैं कमेंट्स पढ़ रहा, ठीक है, कई सारे लोगों के बारे में मैं जाना, ठीक है, तो उन्होंने सारी अपनी व्याख्याएं की, सब चीजें बताई। आप देखिए प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, सच्चा बादशाह किस सिख गुरु को कहा गया? ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि सच्चा बादशाह किस सिख गुरु को कहा जाता है। कोई इसका आंसर बताएगा फट से बताइए, मेरे साथ साथ बताइए इसका आंसर। तो सच्चा बादशाह गुरु हरगोविंद को कहा जाता है। गुरु हरगोविंद जो थे, इन्होंने पहली बार सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देना चालू किया। सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देने की शुरुआत करने वाले सबसे पहले हरगोविंद थे, और इन्होंने ही किसमें, गोल्डन टेंपल में अकाल तख्त बंगा की स्थापना की थी। अकाल तख्त जो कुर्सी है वहां पर इन्होंने ही किया था। रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, अकबर के शासन काल में अकबर ने इनको 400 गांव दान में दिया था। तो आपका लेकिन जो आंसर है वो क्या है, सच्चा बादशाह किसको कहा गया? हरगोविंद को कहा गया। देखिए अभी 11 प्रश्न हुए हैं, लेकिन सिख धर्म भी छू लिए हैं, टच कर लिए हैं, विजयनगर भी साम्राज्य भी टच हो गया, प्राचीन भी टच हो गया, आधुनिक भी टच हो गया, मध्यकालीन भी। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में दोस्त, और जरूर इसको देखिए और लिखिए और फॉलो करने का प्रयास करिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला के द्वारा संबोधित किया गया? आप लोग आंख बंद करके कह देंगे 1917। नहीं, 1917 में तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। सवाल को ध्यान से पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला के द्वारा संबोधित किया गया, या कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पहली बार किसी महिला के द्वारा संबोधित किया गया? तो 1889 में पहली बार महिलाओं की भागीदारी हुई थी कांग्रेस के अधिवेशन में, और 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता के अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन को संबोधित की थी कादंबरी गांगुली। तो आपका आंसर हो जाएगा 1890। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो किसी महिला के द्वारा संबोधित किया गया, और किसके द्वारा? कादंबरी गांगुली के द्वारा। और महिलाओं ने सर्वप्रथम जो हिस्सा लिया था वो 1889 में लिया था। 1896 में वंदे मातरम गाया गया था, और 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। मजा आ रहा है? अगले प्रश्न में पढ़े। देखिए दोस्त, बहुत मजा आएगा ऐसे ऐसे ही, हमारे बैच के हर बच्चों को बहुत मजा आता है। चलिए
अगला प्रश्न, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यह विवाद इस पर सवाल था। पहले कुछ लोग नेहरू कहते थे, फिर गांधी कहने लगे, लेकिन जब से मोदी ने मन की बात में मेहर अली का नाम लिया है तब से इसका आंसर मेहर अली है। इवन MPPCS में भी इसका आंसर मेहर अली ही माना गया। बात क्या है दोस्तों कि हमारे साथ एक सर थे, पढ़ाते थे, डीके चौरसिया, ठीक है, उनका जॉब हो गया है UDRDA में, आर में। उनका आखिरी अटेम्प्ट था, वो 40 साल के थे, इसके बाद वो नहीं दे सकते थे, ऐसा वो कहते थे, मुझे नहीं पता, और बहुत निराश हो गए थे वो। उन्होंने कहा ये पांडे जी, ये मेरे लाइफ का आखिरी एग्जाम है, हुआ तो नहीं तो मैं गांव चला जाऊंगा। और उनका हो भी गया, सेलेक्ट भी हो गए वो। वैसा ही सिलेक्शन एक बार फिर आपके सामने घूम कर आया है, वही मौका लेकर। कितने लोगों के लिए लास्ट चांस होगा? और पहला चांस तो कह नहीं सकते क्योंकि 2016 का है, वो लोग पहला चांस कई बार दे चुके होंगे। कितने लोगों के लिए लास्ट चांस होगा? कितने लोग इलाहाबाद, कितने लोग अपने अपने घर जा चुके होंगे, कितने लोग तैयारी करने से हार गए होंगे, ये उनके लिए चांस है करने का। और जिनका हो के कैंसिल हुआ उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, पर जिनका नहीं हुआ, यही कॉम्पिटिशन है। बी अ फर्स्ट देन ऑल इज सेकेंड, हमेशा पहले रहिए, बाकी सब दूसरे हैं, ये जान के रखिएगा। तो इसका आंसर है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर है मेहर अली। क्या आंसर है? मेहर अली आंसर है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कौन सा कूट गलत है? इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, देखना है तो देख लीजिए, जैसा आपका मन हो, लेकिन आंसर मेरे से पहले होना चाहिए, आप लोगों के आंसर मेरे से पहले होने चाहिए। बीरबल जो था ये अकबर के नवरत्न में से था और इसने सुदामा चरित्र की रचना की है, तो पहला तो कूट सही है। तुझके जहांगीरी जो है ये फारसी भाषा में है और इसकी रचना जहांगीर ने की है, लेकिन यहां पर क्या है? अनारकली है। तो आपका आंसर क्या हो गया? तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी की रचना स्वयं जहांगीर ने की है, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया और बाबर नामा की रचना बाबर ने किया। एक ट्रिक बताते हैं, हम भी आपको एक ट्रेलर दे देते हैं, ऐसे कई सारे ट्रिक पूरे इतिहास में है। जैसे कांग्रेस का वीडियो हमारा ट्रिक पे गया हुआ है, सब देखे होंगे, सब कहे कि सर पहली बार इतिहास ट्रिक से समझ रहे हैं। जितने जितने मुगल शासकों ने खुद की आत्मकथा लिखी है उनका उनका मकबरा भारत के बाहर है, और ये आपके सवाल भी था ROR वाले में कि जहांगीर का मकबरा कहां है या निम्न में से किसका मकबरा भारत के बाहर है। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबर का मकबरा काबुल में है। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, इसका मकबरा लाहौर में है। याद रखिएगा, मुगल शासकों ने जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है उनका मकबरा भारत के बाहर है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नोपनिषद किस वेद का हिस्सा है? ये जो विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे हैं मैं उन्हीं से उम्मीद करूंगा, क्योंकि बाकी लोग तो बहुत लोग तो पहली बार सुन भी रहे होंगे। सबको नहीं मेंशन कर रहा हूं मैं दोस्त, सबको नहीं मेंशन कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि कई लोग होंगे जो 40 साल के हो गए होंगे वो भी ये एग्जाम देंगे, और कई लोग होंगे जो अभी 26 साल 22 साल के होंगे वो भी ये एग्जाम देंगे, लेकिन उम्र से ज्ञान का तजुर्बा नहीं होता है, केवल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। 20 साल 22 साल 22 साल के लड़के भी टॉप कर जाते हैं IAS में, और 40 साल के भी लड़के नौकरी नहीं पाते हैं। तो हमें वो 40 साल में नौकरी नहीं पानी है, जो चांस मिला अभी बुझा लीजिए, अभी बुझा लीजिए इसको, बार बार मौका नहीं आएगा। तो सवाल है प्रश्नोपनिषद किस वेद का हिस्सा है? इसका आंसर है अथर्ववेद। मुंडकोपनिषद, मांडवकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद ये किस वेद का हिस्सा है? अथर्ववेद का हिस्सा है। ठीक, किस वेद का? अथर्ववेद का। उसी प्रकार PCS में आया था मैत्रायण किस वेद का हिस्सा है? तो यजुर्वेद का है। ये पूरा मेरा कॉलम है बना हुआ वेद का, मेरे विद्यार्थी लोगों को आंसर पता चल गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, गहरवाली प्रकार के सिक्के किसने चलवाए थे? बिल्कुल सही सवाल है, और इसी सवाल को घुमाकर पूछ लेता है कि किसके सिक्कों पर लक्ष्मी या नंदी बैल का चित्र मिलता है। बात क्या है कि मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था,
और आप जानते हैं कि जो जयचंद था वो गढ़वाल वंश का था और वहीं से शब्द आया गढ़वाली प्रकार के सिक्के। और जयचंद के सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी का चित्र मिलता है और उसी प्रकार के मोहम्मद गौरी ने भी सिक्के चलवाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। अगर इसी सवाल में गढ़वाली प्रकार ना देकर यह दे दिया कि किसके सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी का चित्र अंकित मिलता है तो आपका आंसर तो भी क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी हो जाएगा। इसी का युद्ध किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी के द्वारा घटनाओं को क्रम से सजाइए। यह सवाल मुझे थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि आपको पूछ लिया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नटाल इंडियन कांग्रेस, प्रवासी दिवस, इंडियन ओपिनियन पत्रिका, टॉलस्टॉय फर्म, ये सारी चीजें गांधी से जुड़ी हुई हैं। तो नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1894 में। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी पूर्ण रूप से भारत लौटे थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1904 में। और टॉलस्टॉय फर्म का गठन जोहानसबर्ग में गांधी ने कब किया था? 1902 में। मजा आ रहा है ना, ट्रेलर है, बेस्ट तो इससे ज्यादा लाजवाब है। तो सबसे पहले क्या कौन सा होगा? नटाल इंडियन कांग्रेस। तो पहला ऑप्शन ए और बी में होगा। दूसरा क्या होगा? टॉलस्टॉय फर्म। तो पहला, चौथा, फिर तीसरा और फिर दूसरा। तो आंसर आपका क्या हो गया? ए, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। लाजवाब सवाल था। कई सारी चीजें यहां से, चार पांच चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है? निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है? मूल सूत्र जैन ग्रंथ है, जैनियों के बारे में जानकारी मिलता है। उवासगद दशाओं, क्या है उवासगद दशाओं? इसमें जैन उपासकों से संबंधी नियम है। जैन उपासकों से संबंधी नियम इसमें है। भगवती सूत्र से जैनियों के बारे में जानकारी मिलती है। मूल सूत्र भी जैन धर्म की बातें कहता है। जब तीनों कहता ही है तो आंसर हो जाएगा सी, थेरी गाथा। थेरी गाथा जैन धर्म से नहीं जुड़ा है दोस्तों, थेरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है। क्या है? बौद्ध साहित्य है। तो आपका आंसर क्या हो गया? थेरी गाथा हो गया। क्या हो गया आपका आंसर? फेरी गाथा हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बनारस में गंगा घाट का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर मैं जानना चाहता हूं। बनारस में गंगा घाट का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा औरंगजेब। यह अपवाद प्रकार का सवाल है। औरंगजेब कट्टर इस्लामवादी था, जिसकी उसको जिंदा पीर कहा जाता था। तो आपको लगेगा जब ये कट्टर इस्लामवादी था तो फिर सर ये कैसे बना सकता है? इसीलिए ये सवाल बहुत टिपिकल था। इसने यही नहीं, औरंगजेब ने बनारस को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाई थी। बनारस को दूसरी राजधानी बनाने वाला भी कौन था? औरंगजेब था। और औरंगजेब ने ही बनारस में किसका निर्माण करवाया? गंगा घाट का निर्माण करवाया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की पहली कौन सी राजनीतिक संस्था थी? ठीक, सवाल बहुत पेचीदा है ये, पर जो जानता है उसके लिए नहीं। हमको लगता है ज्यादातर लोग कहेंगे कांग्रेस, क्योंकि सभी जानते हैं पहली राजनीतिक पार्टी। मुस्लिम लीग तो 1906 में आई, स्वराज पार्टी 1903 में आई, कांग्रेस 1885 में आई। लेकिन इसका आंसर है लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1828 में। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जो है, संस्था जो है, राजनीतिक संस्था, वो लैंड होल्डर सोसाइटी है, कांग्रेस नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, गलतियां मत करिएगा, छोटी सी गलती है, मानते निगेटिव नहीं है।
लेकिन निगेटिव नहीं है तो मतलब क्या सब गलत करके आएंगे? नहीं, सब सही करके भी आना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, एलोरा की गुफा निम्न में से किस धर्म को समर्पित है? एलोरा की गुफा निम्न में से किस धर्म को समर्पित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, उपयुक्त सभी। 1 से 12 ये बौद्ध धर्म को समर्पित है, 30 से 34 ये जैन धर्म को समर्पित है, और 13 से 29 ये हिंदू धर्म या शैव धर्म को समर्पित है। तो जो 34 गुफाएं हैं एलोरा में, उसमें अलग अलग गुफा संख्या अलग अलग धर्म को समर्पित है। तो इसका मतलब ये तीनों धर्म को समर्पित है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। आइए, कौन सा कूट गलत है? आप ही सोच रहे हो ना कि सर ये सारे सवाल कैसे क्यों लाए हैं मुझसे, मुझे इससे फायदा क्या होगा, मुझे मिलेगा क्या? आपको मिलेगा कुछ नहीं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं क्या कहा कि आपका इतिहास कितना कंप्लीट है ये सवाल डिसाइड करेगा, और नहीं कंप्लीट है तो हम तो है ही हैं, संस्था तो है ये TWA, हमेशा ये उन लोगों के लिए काम करती है जो मेहनती हैं, जो वाकई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं। हम लोग रात रात भर जग के सवाल बनाते हैं। सवाल आप देख लीजिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। एक आठों कोइंसिडेंस फंस गया तो फंस गया, नहीं तो ऑप्शन भी आप नहीं पाओगे। सेम खुद से बनाते हैं। तो ये कुछ विद्रोह हैं। मुंडा विद्रोह किसके द्वारा हुआ था? बिरसा मुंडा, एकदम सही। ताना भगत आंदोलन किसके द्वारा हुआ था? जतरा भगत के द्वारा। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर द्वारा, ये भी सही है। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के जो थे वो थे सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। अब आप कहेंगे सर बुद्धो भगत बता दीजिए, ये आप कमेंट्स में बताइएगा, आपका कंप्लीट है ना, कमेंट्स में बताइएगा। तो संथाल आपका आंसर कौन सा? संथाल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू, बुद्धो भगत नहीं। आइए, कोहिनूर हीरा हुमायूं को किसने दिया? कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था, प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दिया था, मतलब खिलजी वंश से शुरुआत हो जाती है, काकतीय वंश को मिला था सबसे पहले। बुरी जानकारी नहीं देंगे, ऐसे कैसे दे दे। तो कोहिनूर हीरा हुमायूं को किसने दिया? रणजीत सिंह नहीं, ये तो पर्सिया से लेके आए थे। इब्राहिम लोदी, कोई सोच सकता है ये आंसर होगा? शेर शाह सूरी, ये तो हुमायूं से नफरत ही करता था। विक्रमजीत सिंह, अब इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत सिंह में से आप बताइए। मैं बताऊं, इसका आंसर है विक्रमजीत सिंह। आप लोग कहेंगे कैसे सर? तो जब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ, तो हुमायूं उस समय बाबर के साथ था, एकदम नई बात बता रहा हूं। और हुमायूं को उसी समय विक्रमजीत सिंह पराजित हुए पानीपत के युद्ध में। इब्राहिम लोदी तो रणभूमि में लड़ते लड़ते मारा गया, और संधि हुई, और विक्रमजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किसको दिया था? हुमायूं को दिया था। बहुत ही लाजवाब सवाल था ये। इसका आंसर क्या होगा? विक्रमजीत सिंह होगा। चलिए, सुदर्शन झील से निम्न में से कौन सा शासक नहीं जुड़ा है? सुदर्शन झील से, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो भाई जुड़ा रहेगा। अशोक ने मरम्मत करवाई थी, तो भाई ये भी जुड़ा रहेगा। रुद्र दामन ने बिना बेगार के, मतलब बिना श्रम के, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, तो ये भी जुड़ा होगा। इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। सुदर्शन झील से 4 लोग जुड़े हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्र दामन प्रथम और स्कंद गुप्त, जो कुमारगुप्त के बाद गुप्त वंश का क्या बनता है? शासक बनता है। हाँ, कई लोगों ने कहा कि सर आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय द्रव्य में, दोस्तों हर चीज गूगल में नहीं होता है। आप देखिएगा कि आर्यभट्ट कब पैदा हुए हैं और चंद्रगुप्त का समय कब से कब तक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आर्यभट्ट नहीं थे, वो गूगल में गलत है दोस्त। ठीक, चलिए यहां पे आते। तो इसका आंसर क्या हो गया? कुमारगुप्त।
आज के अपने आखिरी रिवीजन प्रश्न में पहुंचते हैं। सर्वप्रथम ईंटों के द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है? देखिए दोस्त, ये 25 सवाल से आप 100-150 सवाल तक कंप्लीट करने का क्षमता रखते हैं, और इस 25 सवाल से रिवीजन करवाने का ने क्या कहा, मैं भी कोई टॉपिक पढ़ा सकता था, पर मैंने सोचा क्यों ना आपका रिवीजन करवाया जाए। एक बार रिवीजन होने से आपको पता चला होगा कि आपका कौन सा पोर्शन कमजोर है, और आपके एग्जाम आते आते गौरव पांडे ऐसे आपको 500 से 600 सवाल करवा डालेंगे इतिहास के। ये वादा नहीं, दावा है मेरा। ये हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े वो जानते हैं कि सर कितना सवाल कराते हैं और पढ़ाते भी हैं, तो हमारी संस्था के सभी लोग ऐसा करते हैं और मेहनत भी करते हैं। आखिरी सवाल है, सर्वप्रथम ईंटों के द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सांची का धम्मेख स्तूप, जो कि कब बना था? गुप्त काल में, क्योंकि पहली बार ईंटों के द्वारा मंदिर का निर्माण भी जो चालू हुआ था दोस्त, वो कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तो सर्वप्रथम ईंटों के द्वारा जो निर्मित स्तूप है वो कौन सा है? धम्मेख स्तूप है। ये 25 प्रश्न नहीं है, ये 25 वो चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा इतिहास कैसा है। ये 25 प्रश्न से मैंने हर टॉपिक को टच करने का प्रयास किया जो आपके लिए जरूरी है। हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, 20-25-30 हजार प्रश्न सॉल्व करते हैं, फिर हम चीजों को समाहित करते हैं, तब प्रश्न बनाते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो। इस क्लास को जरूर देखिएगा दोस्त, इससे आपके इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और हमारी संस्था से जुड़िएगा। जब आप जुड़ेंगे तब पता चलेगा कि हम कितने मजेदार हैं, कितने मजे से चीजों को आपको पढ़ाते और समझाते हैं। बाकी अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, ये तो सिर्फ एक पोस्टर रिलीज है, टीजर ट्रेलर और मूवी तो बाकी है। सेहत का ध्यान रखिएगा। गौरव पांडे फिर किसी दिन प्रश्नों के साथ या टॉपिक के साथ आ सकता है आपके बीच। तब तक के लिए देश का सम्मान करिए, माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।